बोलते हैं ना, ये जिंदगी कुछ लोगों के लिए तो नरक से बदतर होती है, वहीं पे कुछ लोगों के लिए तो स्वर्ग से बढ़कर होती है। कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी को नरक से स्वर्ग की ओर ले जाएगा, ऐसा क्या कोई इंसान करे कि वो सफल हो जाए, ये तो हम सबको पता है। बट हमें से बहुत चुनिंदा लोग हैं जो ये सब करने का हौसला रखते हैं और जज्बा रखते हैं। बस उसी जज्बे को सलाम किया गया है इस मूवी में। ये मूवी सेम नेम नोवेल सीरियस मैन के ऊपर ही बेस्ड है। साथ ही साथ इस मूवी को देख के लगा था कि शायद ये मूवी पूरी फैमिली के साथ देखने के लिए बनाई गई है, बट मूवी में एक दो एडल्ट सीन के साथ साथ थोड़ी बहुत गालियां भी हैं। तो आपको अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है, इट्स अप टू यू, बट मैंने आपको बता दिया है। वैसे आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूवी का रन टाइम कुछ 2 घंटे का है और इस मूवी में हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी अच्छे कलाकार हमारे अक्षत दास है, जिन्होंने छोटे बच्चे का रोल ऐसा निभाया है कि सच में हमको दिल से दुआ देने की कोशिश नहीं, हमको दिल से दुआ देने का मन कर रहा था तो बोल दिया। और वहीं पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग तो वर्ल्ड क्लास होती ही है, इंडिया क्लास नहीं वर्ल्ड क्लास होती है। उन्होंने तो अपना काम बहुत अच्छा किया है। साथ ही साथ ये मूवी डार्क कॉमेडी है, मतलब कि मूवी में मजाकिया अंदाज में पीछे बहुत सारे डीप मीनिंग छुपे हुए हैं। चाहे फिर धर्म के पीछे चल रहे खेल की बात हो, एजुकेशन सिस्टम की बात हो, या फिर ऊंच नीच की बात हो, या फिर अमीरी गरीबी की बात हो, हर चीज को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। मूवी का प्लॉट फोकस करता है एक साधारण से मुंबई में रहने वाले आयन मनी, मतलब कि हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर, जिनकी एक नॉर्मल सी फैमिली है। साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट के पीए हैं, बट उनके पास दिमाग कुछ ऐसा है कि वो अपनी साइंटिस्ट को भी चकनाचूर कर दे। साथ ही साथ उनको इस धरती में एक नर्क, मतलब कि बदनसीबी अपनी विरासत में मिली है, मतलब कि उनकी गरीबी। अब वो अपनी इस गरीबी से उठकर कैसे ऊपर आ पाएंगे, जो उनके पास आइडियाज हैं, क्या वो कुछ काम आ पाएंगे, क्या उनकी फैमिली सच में अब आगे, क्या उनकी फैमिली नर्क से स्वर्ग के द्वार को तय कर पाएगी, या फिर वो वैसे ही रह जाएंगे। अब आगे क्या क्यों कैसे होता है वो जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी होगी, और मैंने बता दिया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ही बोलेंगे स्पॉइलर क्यों देते हो। आगे हम लोग बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंस की, तो एक्टिंग परफॉर्मेंस लिटरली सबने अच्छी दी है, बट वो छोटू के कैरेक्टर ने तो मेरे दिल में सच में जगह बना ली है। वहीं पे मनी का कैरेक्टर, मतलब हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर उनकी वाइफ हो, सबने बहुत अच्छा काम किया है लिटरली सच में। अगर हम लोग म्यूजिक की भी बात करें तो मूवी में गाना भी है लास्ट में, साथ ही साथ बीजीएम की बात करें तो बीजीएम भी अच्छा है, मूवी का बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत ही चालाकी से बहुत सारे डीप मैसेजेस इस मूवी में छुपाए हुए हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उन मैसेजेस को डिकोड करके आपके आंखों में डालने का काम किया है। बस आपके दिमाग को प्रोसेसिंग करके उन मैसेज को अपने अंदर लेके जाना है। वैसे मैं आपको एक सरप्राइज बता दूं, मेरी मिर्जापुर के डायरेक्टर मतलब गुरमीत जी से बात भी हुई है। ये देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मिर्जापुर के बारे में। जानी है क्या, बताऊंगा आगे। फाइनली बात कर ले डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इस मूवी को आप लोग कोई एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी से मत कंपेयर करिएगा। एक सिंपल सी मूवी है, 2 घंटे का रन टाइमिंग है इसका। साथ ही साथ इस मूवी को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में भी डब किया गया है। जिस भाषा में देखने का मन हो उस भाषा में देखिए, कोई भी वो नहीं, बाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज का। फाइनली हम लोग बात कर ले मेरे रेटिंग की और मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो दोनों ही 5 out of 5 हैं। अब इसका मतलब तो मेरी फाइनल ओपिनियन आप जानते ही होंगे। आपको ये मूवी देखनी है इस वीडियो के खत्म होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। मूवी कुछ लोगों को स्लो भी लग सकती है, जिनको सलमान खान टाइप के कंटेंट पसंद आते हैं और हमारे यही सारे कंटेंट्स पसंद आते हैं बागी टाइप के, उनको शायद मूवी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आए। बट जिनको मैच्योर कंटेंट पसंद है, उनके लिए मूवी सोने पे सुहागा से भी बढ़कर के सुपर सुहागा है। धन्यवाद।